गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में 19 फरवरी की सुबह दिन दहाड़े एक ई रिक्शा चालक की धारदार हथियारों से हत्या के मामले में पुलिस ने सलमान नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हालांकि हत्या तांत्रिक विद्या के चक्कर में की गई थी। हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर तलवार, बाइक और हत्या में इस्तेमाल अन्य सामान को बरामद कर लिया है। क्या है पूरा? ये 19 फरवरी को मुरादनगर में एक तांत्रिक आस मोहम्मद की हत्या हुई थी। उसमें क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने आके आस मोहम्मद के घर के बाहर ही, जो कि ग्राम जलालपुर है, वहाँ पर उसको वहाँ पर जब वो आया अपना ई रिक्शा चला के, तो वहाँ पर उसको रोक कर उस पर तलवार से काफ़ी कई वार किए थे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस केस पर थाना मुरादनगर पुलिस काफ़ी समय से लगी हुई थी और इसमें काफ़ी इसमें मेहनत की गई। काफ़ी इसमें लगभग 60-70 के आसपास सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, जिसमें उसका हुलिया लगभग कंफर्म हो गया था, उसकी बाइक कंफर्म हो गई थी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो अभियुक्त है कोई मोबाइल नहीं रखता था, तो हमने टावर डम वगैरह लिए थे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। लेकिन इसमें मैनुअल सर्वेलेंस काफ़ी हुआ और सीसीटीवी फुटेज का भी काफ़ी यूज़ किया गया, जिससे बाइक और सब चीज़ें हुलिया कन्फर्म हुआ। और इसमें लगातार मेहनत करते रही टीम और इसमें बहुत ही अच्छा खुलासा हुआ है। इसमें जो अभियुक्त है सलमान, वो पकड़ा गया है। इसमें हत्या का कारण ये था कि अब इसकी अभियुक्त की जो पत्नी थी, पत्नी इसके पास तांत्रिक, क्योंकि ये है तो इसके पास किसी पूजा पाठ के लिए अपना आई थी, तो उस तांत्रिक ने इसमें ये किया था कि उसको कुछ तावीज़ दिए थे। और फिर पत्नी ने इसको बताया कि तावीज़ के बहाने तांत्रिक ने जो है आस मोहम्मद, उसने गलत नीयत से उसको दबोचा भी था और गलत काम करने का प्रयास भी किया था। तो जब ये बात इसको पता चली तो उसे काफ़ी क्षुब्ध हुआ और काफ़ी नाराज़गी में ये वहाँ पर उसकी तरफ अटैक करने के लिए अपने घर से प्लानिंग करके गया कि आज मैं इसको मार दूंगा। और ये अपनी तलवार लेके गया और वहाँ पर जब ये अपना वापस आया ई रिक्शा चला के फल मंडी से, वहाँ पर इसने कई वार किए जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। सर, जो तांत्रिक है ये रिक्शा चालक, ये बताया जा रहा है कि महिला पहले दूसरे तांत्रिक के पास गई, उसने ये राज खोला। हाँ, ये दूसरे तांत्रिक ने इसको बताया था। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो अंधविश्वास है, अंधविश्वास और उसके अलावा तांत्रिक की जो बदनीयति थी, उसके कारण ही ये हत्या हुई है। और काफ़ी जघन्य चीज़ हुई थी ये, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से थाना मुरादनगर पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया। ये अपने गांव में, अपनी ससुराल में इधर उधर ही कुछ कुछ समय रहता था, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि घर में भी अपने बहुत कम समय के लिए आता था। फिर कल रात को एक साथ कई ठिकानों पे, इसके घर पे, इसकी ससुराल में 3-4 ठिकानों पे और इसके अन्य ठिकानों पे रेड की गई, जहाँ पर ये मिला फिर उसके बाद, और इसमें बाकी कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर, पुलिस को कामयाबी कैसे मिली, अभी तक ये कुछ खुलासा नहीं हुआ है कि किस तरीके से पुलिस के रडार पर ये आया। इसमें वही आपको बताया था कि मैनुअल सर्वेलेंस इसमें करना पड़ा था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक से हमें सिर्फ सीसीटीवी फुटेज से ही कुछ जानकारी मिल पाई थी कि हुलिया कैसा है, बाइक कैसी है, बाकी चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही थी। लेकिन यह है कि मैनुअल जब पूछताछ की गई एक्सटेंसिव कई गांवों में आसपास की गई, तो उसमें इस हुलिये का और जो बाइक के बारे में, होंडा शाइन जो इसमें यूज़ हुई थी, वो बाइक भी हमने रिकवर की है, और हेलमेट वगैरह जो कपड़े पहना हुआ था वो भी हमने रिकवर की है, और तलवार भी इसमें रिकवर हो गई है। तो मैनुअल सर्वेलेंस ही इसमें काफ़ी काम आया और उसी तरीके से एक केस खुला है। नहीं, इसका कोई भी पुराना आपराधिक इतिहास इसका है, 32/21 है, इसी साल का मुकदमा है इसका, अपनी भाभी से इसके लड़ाई झगड़े का।